हाँ वही आ गए हो मज़े लेने। आज का जो रिएक्शन वीडियो होगा वो होगा कम्प्लीटली अनबायस्ड। गाने की मेरिट के ऊपर मैं रिएक्ट करूँगा। आप सब जानते हैं कि आई लाइक एमी वे बंटाई, लेकिन अगर डिवाइन की तरफ से अच्छा डिस आया विद रेफरेंस मेटाफोर्स एंड फैक्ट्स, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट हिम और उसी लिरिक्स के हिसाब से मैं बात करूँगा। मैं कोई बायस्ड बात नहीं करूँगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हेलो गाइस, हाउ यू। मेरा नाम है फावद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। जिसका डर था यही हो गया। क्लैश ऑफ टाइटन्स हैज़ बिगन। एमी वे बंटाई ने सबलिमिनल डिस किया था डिवाइन को चेकमेट सॉन्ग में, बतिस्ता बॉम्ब में लिटिल बिट, लेकिन हार्ड में वो बहुत हार्ड आया है। और इसके बाद डिवाइन ने बोला, भाई मैंने नहीं चुप बैठना। यूजली डिवाइन किसी को डिस नहीं करता या जवाब नहीं देता। मेरे ख्याल के कभी मैंने उसकी डिस वार के बारे में सुना हो या किसी के साथ पंगा लेके बैठा हो, जैसे यूजुअल हमारे सस्पेक्ट्स हैं कृष्णा, मूफाट, एमी वे बंटाई और अफ्तार, और इसके अलावा सब जो कूद पड़ते हैं। तो भाई डिवाइन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, कौन कौन चाहता है ये सॉन्ग आउट हो, और सब भेड़िए की तरह झपट पड़े। हाँ भैया हमें चाहिए, भाई भेजो भेजो जल्दी करो। और उन्होंने झटपट आज ही रिलीज कर दिया। सॉन्ग का टाइटल है चाबी वाला बंदर क्वालिटी कंट्रोल। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। टाइटल के बारे में वीडियो के बाद बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम जाए कि ये देखते हैं ये डिस कैसा है। मुझे ये डायरेक्ट डिस लग रहा है, सबलिमिनल नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, फिर उसके बारे में बात करेंगे। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. क्या कह रहा है? शेख चिल्ली? Free promo दे, free promo दे, Kellogg से ज़्यादा यहाँ पर तू चोको ले, ज़बान चला पर तेरा दांत संभाल के, अब बोला नहीं था तुझे पर तू ले चढ़ा के, free promo दे, free promo दे, Kellogg से ज़्यादा यहाँ पर तू चोको ले, ज़बान चला पर तेरा दांत संभाल के, अब बोला नहीं था तुझे पर तू ले चढ़ा के। मुझे भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी, बच का ना खाने में और खाने में कोई छूट नहीं, मालूम है से जाली को हाल ही में है बहुत लगी, पिछले कुछ सालों में हमसे इसकी बहुत जली, सुने इसके लिरिक्स लगता बहुत फनी, रैपर बनने में इसमें बहुत कमी, बंदर बोलू या इसको बग्स बनी, कार्टून है ये लड़का मुझको सही में लगता बहुत फनी, कंटेंट डट्टी और दोस्त लोग भी जो समझाते नहीं इसको एक अच्छा चीज, अब बंदर बना के इसको झाड़ पे रखते और आधे रैपर जिसको अपने झाड़ पे रखते, हाँ चल स्ट्रीम्स हो या बैंक अकाउंट, अ बिलियन स्ट्रीम्स मिलियन मेरा बैंक अमाउंट, बंबई शेयर जी जी यू नो वी होल्ड इट डाउन, बंटाई फ्लोस इज द ओनली टाइम वी हर्ड अ क्लाउन, बर्न इट अप के टाइम से सन वी बर्न इट डाउन, आ तेरे आईने से पूछ किसका बेहतर साउंड, गेट रस्टी डोंट टच मी मेरा मीटर डाउन, गैंग मेंबर नहीं पर गैंग मेंबर्स होके प्राउड, रेड चिली तेरी जली ना, वीडियो में एक्टिंग तू नहीं है उतना कमीना, पढ़ा जिस स्कूल में उसका प्रिंसिपल है कमीना, प्रिंसिपल है मैं चल बाल काट जल्दी ना, लेबल इन लेबल आउट मेरी मर्जी ना, खेलते रहता सेफ पर ये रैप खेलता करीना, इसको बहुत सारा न्यूज चाहिए, बहुत सारा व्यूज चाहिए, बचका ना रोता इसको बहुत सारा दूध चाहिए, रोना धोना छोड़ दे ये टिकटॉक नहीं है, सोमिल वाला गाना तेरा हिप हॉप नहीं है, असली शेर तू बंदर मैं सिद्धांत नहीं है, फरीद बंद मेरा चालू कबाब खाइए, सिर्फ फैक्स मेरा भाई इसमें रूबाब नहीं है, रिटार्ड है भंटाई तू बहुत हार्ड नहीं है, रिटार्ड है भंटाई तू बहुत हार्ड नहीं है, वर्ल्ड वाइड टूर 300 प्लस शोज, डिवाइन तेरा भाई के क्वालिटी कंट्रोल, अ क्वांटिटी है ज्यादा मुझे क्वालिटी बता, मराष्ट्र ना के तू ट्रैक पे चल पॉलिसी बता, अ क्वालिटी से बात कर अपोलॉजी मत ला, और फैंस बोल के पब्लिक को येड़ा मत बना, अ क्वालिटी से बात कर अपोलॉजी मत ला, और फैंस बोल के पब्लिक को येड़ा मत बना, सुन मेरे चाबी वाले बंदर अंदर ही अंदर अंदर ही खंडर, तू चाबी वाला बंदर नाच के दिखा मेरा चाबी वाला बंदर, मेरा चाबी वाला बंदर अंदर ही अंदर अंदर ही खंडर, चाबी वाला बंदर अंदर, नाच 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 नाच, मुझसे मत पूछ मैंने क्या बनाया, एक कौन और नाच से मैंने गली है बुलवाया, मुझसे मत पूछ मैंने क्या बनाया, बॉलीवुड को खींच कर मैंने अंडरग्राउंड लाया, मुझसे मत पूछ मैंने क्या बनाया, घर खाड़ी खुद से अपना लेबल है बनाया, मुझसे मत पूछ मैंने क्या बनाया, बॉलीवुड को खींच कर मैंने अंडरग्राउंड लाया।
That's true actually. Gully gang, boy. 590 side, I'm Diddy. गली गैंग एंटरटेनमेंट। वाव, दिस तो बहुत हार्ड था, लेकिन एक बात कहूँगा, मेटाफोर्स और रेफरेंसेस ना होने के बराबर थे। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए की कि मूफार और कृष्णा का जो अभी हम लोगों ने बीफ देखा है, उन लोगों ने बीफ को किसी और लेवल पे पहुँचा दिया है। अब ये 2018 का ज़माना नहीं रहा, जब एमिवे बनता है और रफ्तार के अंदर बीफ था और चीख चिल्ला के और एक दूसरे की बैंड बजा के आप डिस्पोर जीत भी जाते हो या हार भी जाते हो। इस वक्त जो है लेवल बहुत हाई हो गया है अंडरग्राउंड रैपिंग का और इंडिपेंडेंट रैप आर्टिस्ट का, बहुत हाई लेवल है। तो वो जो डिस हम लोग देख चुके थे मूफार और कृष्णा वाले, उस लेवल का नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा ठंडा लगा। लेकिन बड़ा आर्टिस्ट है रिवाइन, और उसने फैक्ट्स अपने बारे में ज़्यादा बताए हैं, और एमिओ वनटाई के कुछ सवाल थे जो पिछले सॉन्ग में उसने पूछे, उसका जवाब दिया है। हिट एंड मिस की बात है, वो मैं करता हूँ अभी, लेकिन ये डायरेक्ट डिस है एमिवे बंटाई पे। मचाएंगे का पूरा क्लिप दिखा दिया, दुनिया भर के बंदर दिखा दिए, बंदरों के जितने भी मीम्स और डांस थे वो एमिवे बंटाई के स्टेप से मैच करवा दिए। तो एमिवे बंटाई चाबी वाला बंदर, रेफरेंस रफ्तार का सॉन्ग, रफ्तार ने एमिवे बंटाई को चाबी वाला बंदर कहा था, उसी को उठा के अपने वीडियो टाइटल में डाला, साथ में क्वालिटी कंट्रोल भी लगा दिया। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? एमिवे बंटाई ने कहा कि मैं हर दो वीक के बाद सॉन्ग निकालता हूँ, मुझ में इतनी स्किल पावर और राइटिंग स्किल्स है मेरे पास। डिवाइन क्या बोलते हैं भाई, कि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो भाई क्वालिटी कंट्रोलर बन के डिस मार दिया एमिवे बंटाई पे। तो टाइटल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चाबी वाला बंदर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन चाबी वाला बंदर कह क्या रहा था? मुझे तो यही लग रहा है, 100% शेख चिली लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? मेरा ख्याल है शेख चिली ही है यार, आई एम कन्फ्यूजिंग माई सेल्फ। यस, शेख चिली है। अगर आप ये सोच के उसको दोबारा सुनोगे ना तो शेख चिली लगेगा। पहला वर्स बहुत इंटरेस्टिंग था, केलॉग्स चोको का। केलॉग्स चोको आप लोगों ने देखा होगा, खाया भी होगा, चॉकलेट ग्रेन्स होते हैं, कुछ सॉलिड ग्रेन्स होते हैं, कुछ होल वाले होते हैं, अपनी अपनी चॉइस वाली बात है, लेकिन वो बड़े डब्बों में आते हैं और उसमें बहुत सारे चोकोस होते हैं। तो एमिवे बंटाई के बारे में कहा कि तू भर भर के टोपियाँ पहनाता है, बंटाई पब्लिक कह कहकर, और पब्लिक भी क्या बोले, अब हम जैसे बहुत हैं वैसे। तो एमिवे बंटाई ने दांत निकाले थे हार्ड सॉन्ग में डिवाइन को, तो डिवाइन ने कहा था कि तेरे को कहा था ना दांत ना दिखा, चाहे हंस के चाहे गुस्से से। तो जो बात मैंने स्ट्रीम के हवाले से कही वो तेरे बारे में नहीं थी, तुझे पड़ी लकड़ी लिखने का शौक है तो चढ़ा अपने अंदर। ठीक ठाक पहली वर्ड में गुस्सा दिखा दिया भाई, ख़तरनाक किस्म का गुस्सा था वाकई वो। फिर उसके बाद डिवाइन सेल्फ प्रमोशन शुरू हो गई, मेरी मर्ज़ी, मैं चाहूँ तो लेबल के साथ जाऊँ, मैं चाहूँ तो लेबल के साथ ना गाऊँ, मैंने इतनी ज़बरदस्त हिप हॉप इंडस्ट्री को उठा दिया है कि बॉलीवुड तक ने फिल्म बना दी है। गली बॉय बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ा हिट हुआ, 11 अवार्ड भी ले लिए, हाँ कंट्रोवर्शियल थे मगर ले लिए। मगर डिवाइन का या नाइजी का काम उसमें बहुत ज़बरदस्त था, और क्रेडिट तो जाता है, और ये क्रेडिट उनसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर अपने वर्ल्ड वाइड टूर्स जो 300 किए उसने, लाइव टूर्स एक्चुअली, उसके बारे में भी बताया, लेबल्स, गाने, स्ट्रीम्स, फुल टाइम सेल्फ प्रमोशन, रेफरेंसेस कुछ नहीं है, मेटाफोर्स कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि गुस्सा दिखाया है कि भाई खाम का पड़ी लकड़ी ना लो, अगर पंगा लेना है तो ठीक है, फिर चलता रहेगा ऐसा, क्योंकि इंस्टाग्राम में तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही हैं बातें और पब्लिक भी मज़े ले रही है दवा के। भाई हम लोगों का काम क्या है आप लोगों को तो पता है। और फिर इसके बाद जो आग भड़कती है, अब आप देखो इंस्टाग्राम पर शोर होगा चल रहा है, एमिवे बंटा हमें जवाब चाहिए, बनता है जवाब चाहिए। वैसे आप लोगों को जवाब चाहिए? मेरा नहीं ख्याल के जवाब बनता है इस पर, या वो उस लेवल का डिस नहीं है, तो मेरे ख्याल में जाने दो। रेमी वे बनता है तो यही बोल रहा है कि अब मैं डिस नहीं करूँगा, माँ ने कहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि डिस का जवाब आएगा। हाँ
चलते फिरते वही सबलिमिनल कर देंगे जैसे वो करते आ रहे हैं कृष्णा के साथ और बाकी रैपर्स के साथ। तो ओवरऑल मैं नहीं चाहता कि ये बात आगे बढ़े, ये बीफ़ यहीं पे ख़त्म हो जाए, इस वॉर को वॉर नहीं बनाना चाहिए। और फैंस तुम लोग भी सुधर जाओ, कोई मज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आर्टिस्ट हैं, रिस्पेक्ट करो और करवाओ। और अगर ये आपस में बातचीत करके मामला ठंडा करें तो ठीक है, ये बीफ और ये फड्डा चड्डा उन आर्टिस्ट पे छोड़ दो जो अभी इस्टेब्लिश होना चाहते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है उन पर छोड़ दो। ये लोग वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल ग्रूम्ड रैप आर्टिस्ट हो चुके हैं सोवियत इंडिया में। आई डोंट थिंक सो दे नीड दीज काइंड ऑफ बीफ्स और एनीथिंग, मे बी इन 2-3 ईयर्स, नॉट नाउ। लेकिन मैंने डिवाइन को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैंने उसका ऐसा कोई डिस देखा है गुस्से वाला। यूजली ये हमारे डीनो जैन भाई की तरह हैं, अपने काम से काम रखते हैं, सॉन्ग निकालो और फिर चुप करके सो जाओ। डिवाइन मेरा नहीं ख्याल कि वो कृष्णा जैसा बंदा है जो ट्रोल करता रहे और हर किसी को जवाब दे। एनीवेज देखते हैं आगे क्या सूरत हाल चलती है, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि दैट्स इट, नो मोर। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।